आंखों से पानी बहता है, अगर आंखों में खुजली चलती है या आंख लाल होने लगती है तो इसकी जो जड़ है उसको घिसकर। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बॉन्साई में फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों बरसात का सीजन तो ख़त्म हो रहा है, लेकिन साथ ही जो है बरसात हमें उपहार में बहुत सी जड़ी बूटी जो है वो देकर जाता है हर बार, क्योंकि बहुत से औषधीय पौधे ऐसे होते हैं जो कि बरसात के मौसम में पनपते हैं। ये बरसात में उगते जरूर हैं, लेकिन क्या है जब तक तेज़ ठंड नहीं पड़ती तब तक ये रहते हैं, यानी कि अभी हमारे पास बहुत सा समय है कि हम इन जड़ी बूटियों का फ़ायदा उठा सकें। जब तेज़ ठंड पड़ती है जिसे हम पाला कहते हैं, उसमें इन जड़ी बूटियों के कुछ के जो है पत्ते ख़राब हो जाते हैं, कुछ जड़ी बूटियाँ ख़त्म हो जाती है, इसलिए हमें क्या है उस टाइम से पहले ही जो है इनका उपयोग कर लेना चाहिए, इनको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। तो हमारे आसपास जो है बरसात के बाद बहुत सी जड़ी बूटियाँ ग्रो हो जाती है, बस हमें उन्हें पहचानना होता है। आज के वीडियो में हम एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बात करेंगे जिसे अक्सर लोग खरपतवार समझकर उखाड़कर फेंक देते हैं। कुछ लोग इन्हें जो है पशुओं को भी खिलाते हैं, और इस औषधीय पौधे का नाम है पुनर्वा। मेरे यहाँ इसे सांटी के नाम से जाना जाता है, आई थिंक हरियाणा में बाकी कुछ जगह भी जो है इसे सांटी के नाम से जाना जाता होगा। आपके यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पौधा जो है पूरे भारत में बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाता है। ये भी जैसे कि बंजर जगह पे या खेतों की जो मंडेर होती है, यानी कि साइड में जो बाउंड्री होती है वहाँ पर मिल जाता है। चलिए सबसे पहले इस जड़ी बूटी पौधे की पहचान के बारे में बात करते हैं। पुनर्वा जो है 3 से 4 फीट तक ज़मीन पर फैल जाती है। गर्मियों में ये जो है सूख जाती है और बरसात आने पर फिर से ग्रो हो जाती है। इसके पत्ते जो हैं 1 से 1.5 इंच तक गोल आकार के होते हैं। इस पर 2 तरह के फूल आते हैं, गुलाबी और सफ़ेद, क्योंकि ये जो है 2 तरह की होती है। एक सांटी जो कि ऊपर की तरफ ही जिसकी ब्रांचें ग्रो करती है, और एक दूसरी सांटी जो होती है पुनर्वा वो क्या है सिर्फ ज़मीन में नीचे की तरफ फैलती है, यानी कि ज़मीन से चिपक चिपक कर फैलती है। इसके बहुत से फायदे होते हैं और ये हमें जो है बहुत से रोगों में बचाती है। इसका उपयोग बहुत सी आयुर्वेदिक दवा बनाने में भी किया जाता है, जैसे कि पुनर्वा का चूर्ण, पुनर्वा का क्वाथ जैसी आयुर्वेदिक दवाएं। चलिए अब बात करते हैं इसके क्या क्या फायदे हैं। नंबर 1, पीलिया रोग में फायदेमंद। पीलिया होने पर सांटी के पंचांग से बना चूर्ण जो है शहद या मिश्री में मिलाकर लेने से या इसका काढ़ा बनाकर पीने से पीलिया के रोग में जल्दी आराम मिलता है। नंबर 2, गठिया रोग में फायदेमंद। गठिया रोग में आप इसका काढ़ा बनाकर उपयोग कर सकते हैं। जोड़ों में दर्द हो तो अरंडी के तेल में पुनर्वा के जो पंचांग है उसको पीस कर डालें और फिर इसे अच्छे से पका लें। जब पुनर्वा का पंचांग तेल में काला हो जाए, यानी कि जो पंचांग हम डालते हैं उसके जो छोटे छोटे टुकड़े से जो दिखाई देते हैं वो जब काले काले हो जाए, तब उसको उतार कर ठंडा कर लें और इस तेल का उपयोग अपने जोड़ों में जहाँ पे दर्द रहता है वहाँ पे इसका उपयोग कीजिए, तो आपको दर्द में बहुत जल्दी आराम मिलेगा। नंबर 3, मूत्र संबंधी रोग में फायदेमंद। देखिए सांटी जो है इसका उपयोग अगर पेशाब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी किया जा सकता है, क्योंकि सांटी के उपयोग से क्या होता है पेशाब जो है वो बिल्कुल खुल कर आता है, यानी कि अगर आप सांटी का उपयोग करते हैं तो सामान्य से जो है ये दुगना पेशाब लगा देती है, जिससे कि पेशाब के जरिए शरीर की जो है सफाई हो जाती है, पेशाब के रास्ते में कोई रुकावट नहीं रहती और इनसे रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम हो तो वो भी ठीक हो जाती है। नंबर 4, दमा और कफ में फायदेमंद। अगर शरीर में कफ जम गया है या पहले से जमा हुआ है और उससे क्या है बहुत परेशानी हो रही है, तो पुनर्वा की जो जड़ है उसका चूर्ण बना लें और 3 से 5 ग्राम चूर्ण को शहद मिलाकर चाटने से जो है कफ जल्दी से अपनी जगह छोड़ देता है और आपको जल्दी आराम मिलता है। नंबर 5, आँखों के रोगों में फायदेमंद। आँखों से पानी बहता है तो इसकी जो जड़ है उसको घिसकर शहद के साथ मिलाकर लगाने से आँखों में आराम मिलता है। अगर आँखों में खुजली चलती है या आँख लाल होने लगती है तो इसकी जड़ को जो है दूध के साथ घिसकर लगाने से काफ़ी आराम मिलता है। नंबर 6, गुर्दे के लिए फायदेमंद। यह सांटी जो है वो गुर्दे के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है, यहाँ तक कि इसके सेवन करने से गुर्दे में अगर पथरी हो तो वो भी कट कट कर बाहर आ जाती है। आप इसकी पत्तियों का काढ़ा या इसकी सब्जी बनाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। नंबर 7, त्वचा रोगों में फायदेमंद। स्किन की अगर कोई प्रॉब्लम है
तो उसमें भी जो है पुनर्वाप बहुत फायदेमंद होता है। इसके लिए इसकी जो जड़ है उसको जो है तिल के तेल में पका लें। इस तेल का उपयोग स्किन प्रॉब्लम वाली जगह पर अगर आप करते हैं तो उससे काफ़ी आराम मिलता है। दोस्तों अगर आपने साटी या पुनर्वा इसका कभी उपयोग किया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ है वो भी ज़रूर बताइए। बहुत सी जगह इसकी सब्जियां या इसकी जो भुर्जी है वो भी बनाई जाती है। आपके यहाँ इसको कैसे पकाया जाता है यानी कि इसकी सब्जी वगैरह कैसे बनाई जाती है, आप जो है वो रेसिपी भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं ताकि हम सब भी उसको ट्राई कर सकें, क्योंकि हर जगह अलग अलग तरह से ये बनाई जाती है। मेरे यहाँ इसकी जो भुर्जी है वो बनाई जाती है जैसे मूली की भुर्जी बनाते हैं। दोस्तों हमारे आसपास जितनी भी जड़ी बूटी है ज़रूर नहीं कि हम उन सब का सेवन करें, लेकिन हमें उनके बारे में ज्ञान ज़रूर होना चाहिए यानी कि हमें उनके बारे में नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। इसलिए मैं इस तरह की वीडियो डालता हूँ ताकि हमारी जो नॉलेज है वो बढ़े पेड़ पौधों के प्रति। देखिए गार्डनर जो है सिर्फ ये नहीं कि हमें सिर्फ फूलों के प्लांट या फ्रूट के प्लांट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, हमें जो है प्रकृति में जितने भी पेड़ पौधे हैं जितने भी वनस्पति है सबके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, जब मैं जड़ी बूटी का वीडियो डालता हूँ तो हर वीडियो में आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कोई भी जड़ी बूटी का प्रयोग करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें। खासकर जो महिलाएं गर्भवती होती है उनको कोई भी जड़ी बूटी उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।